नमस्ते दोस्तों, आज है 17 मार्च और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर सेशन। साथ ही हम आपको बताएंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, उपभोक्ता मामले खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप का लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मेरा राशन ऐप, ऑप्शन बी मेरा घर संसार, सी मेरा खाद ऐप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेरा राशन ऐप। हम आपको बता दें, सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक राशन ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। अभी हाल ही में उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के मंत्री हैं हमारे माननीय पीयूष गोयल जी, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु होने के पश्चात ये मंत्रालय इन्हीं के पास है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उपभोक्ता व खाद्य मंत्रालय किसके पास है। अगला प्रश्न, प्रश्न दो, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कपिल देव। हम आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस मौके पर 1983 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के दौरान टीम की अगुवाई करने वाले कपिल ने कहा कि वह देश में गोल्फ के विकास के लिए काम करेगा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कपिल देव। अगला प्रश्न, प्रश्न तीन, निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? जापान, नेपाल, अमेरिका, चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई में शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? ज्योतिका दत्ता, भवानी देवी, अंकिता रैना, मोहिनी अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भवानी देवी। हम आपको बता दें, भवानी देवी पहली महिला है तलवारबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसी के साथ ओलंपिक 2020 में टोक्यो की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो में होने थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इन्हें पोस्टपोन कर दिया। अब ये 2021 में होंगे। हम आपको बता दें, ओलंपिक हर 4 साल बाद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न पाँच, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर निम्न में से कौन बन गया? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यजुवेंद्र चहल। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2020 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए। चहल ने T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यजुवेंद्र चहल। हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है जिसका हाल ही में नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न छह, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया है? राहुल सचदेवा, अजय माथुर, मोहन अग्रवाल और शंकर दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजय माथुर। हम आपको बता दें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन 30 नवंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न, प्रश्न आठ और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में काड़ा नामक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य काड़ा नामक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा।
काला नामक चावल महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। काला नामक चावल बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित है। इस तरह हमारे आज के करंट अफेयर सेशन इतना ही। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की। भारतीय निर्वाचन आयोग की आज बात करेंगे हम, कल के सेशन में भी इसकी बात करेंगे, ये हमारे दो पार्ट में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सर्वथा एक संवैधानिक इकाई है, यानी यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। इसी के साथ ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई। हम आपको बता दें, एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पता नहीं कितनी बार याद चुका है कि भारतीय संविधान इलेक्शन कमीशन भारत के किस संविधान के किस भाग में है। आंसर 15 भाग में। टोटल हमारे संविधान में 22 पार्ट है, इसमें से भाग 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। हम आपको बता दें, चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। इस दिन नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं, जो कि हम हमारे नेशनल इंटरनेशनल डे वाले सेशन में आपको करवा देंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। हमारे सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम बताएंगे आपको क्या कहते हैं अनुच्छेद 324, 325, 326, 327, 328, 329। साथ ही हम बताएंगे निर्वाचन आयोग की संरचना और उसको हटाने की प्रक्रिया और क्या काम है निर्वाचन आयोग के, विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे सेशन में इतना ही। थैंक यू।